चौक से वापसी आ रहा था, चाटा मार दिया मेरे बहन के। तो तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां से तुम्हारा भाई मेहनत करता आ रहा है, कितना मोटा था। एक मैच बहुत दिल टूट गया, अकेले रहूंगा यहाँ पे। स्वागत आप सबका एक और नए व्लॉग में। अभी तुम्हारा भाई जा रहा है सिक्के के घर। तुम्हें एक छत दिखाता हूँ जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाता था इंस्टाग्राम के लिए। जब लॉकडाउन आया था वहाँ पे मैं पुशअप्स होमवर्कआउट वगैरह वीडियोस बनाता था। तो नॉस्टैल्जिया हिट करेगा, वो पुराना घर अपना रेनोवेट करवा रहा है। तो तुम्हें दिखाऊंगा कि कहाँ से तुम्हारा भाई मेहनत करता आ रहा है, कितना मोटा था। एक क्लिप लगाता हूँ और फिर वो अगली जगह दिखाता हूँ। वहाँ पे हम जाते थे लॉकडाउन में बैठे रहते थे। बाकी गाइस आपसे एक बात करनी थी कि कभी भी किसी बहन के बंदे के लिए तुमने चेंज नहीं होना। जैसे तुम वो हंसी मजाक करते हो, ब्लॉग बनाते हो, जिस टाइप के बनाते हो, जो काम करते हो, जिस टाइप से करते हो, उसी टाइप से करते रहो। जिस बंदे को एडजस्ट होना होगा तुम्हारी लाइफ में, खुद एडजस्ट होगा। तुम किसी के लिए चेंज मत होना, ठीक है। हम सोचते हैं भाई हम कुछ गलत कर रहे हो, और हम बैंड दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं, लोगों को हंसा रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लोग हमसे दूर भागते हैं, ये करते हैं, बस एक बंदे की चॉइस की वजह से। उसकी चॉइस कुछ हो रहा तो उसको जान दो ना, हम क्यों बदले ना। अपने लिए किसी को बदलने के लिए बोलो ना, खुद किसी के लिए बदलो। जैसे लोग हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करो, और तुम जैसे हो लोगों को वैसे एक्सेप्ट करने दो। अब किसी को बहन वो पसंद है दाल मखनी, और मैं पिज्जा हूँ, तो मैं बहन अपने में तड़के थोड़ी लगवाता रहूँगा। क्या हाल है? तो मैं अपने में तड़के थोड़ी लगवाता रहूँगा। मैं तो पिज्ज़ा जैसे बनता है वैसे ही बनूंगा ना, जिसको पिज्ज़ा पसंद है वो पसंद करेगा। अब ऐसे ही उल्टा है, अगर मेरे को दाल मखनी पसंद है तो मैं पिज्जे के पास थोड़ी ना जाऊँगा, मैं दाल मखनी के पास जाऊँगा। मैं क्यों कहूँ पिज्ज़ा को भी दाल मखनी बन? बहन दुनिया हुई बड़ी है। बाकी छुट्टियाँ लोगों के लिए स्ट्रेस लेना छोड़ो, अपने आप को बदलना छोड़ो। जैसे हो वैसे रहो, पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, दाने वाने नहीं होंगे। और अगर प्यार में पड़े रहोगे, तुम सिंगर हो तो तुमसे दाने वाने नहीं होंगे, इसलिए दूर रहो। सो गाइस यहाँ पे तो काम चल रहा है, देखो वो अपनी छत की का रुको, वहाँ से तो कांट आ पाऊँगा। व्हेन शी सेज़ इट्स हर फर्स्ट टाइम वहाँ पे, तो भाई अभी तो वहाँ जा नहीं सकते, गड्ढा हुआ पड़ा है। गड्ढों से मैं वैसे ही अब दूर रहता हूँ। वहाँ टॉप के ऊपर जानते थे, तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ पुरानी दो चार। जिम नहीं जा पा रहे तो ये होम चेस्ट वर्कआउट वीडियो है, जिससे आपका मसल लॉस नहीं होगा और साथ ही साथ बॉडी भी पंप रहेगी। का मैंने कर दिया, मैं 6 सेट कर पाया टोटल, मतलब 3 मिनट। अब रेस्ट लेके मैं 3 मिनट और करूंगा। तेरी है सिक्के, सारे कांग्रेट बोल दो भाई। भाई GTA 6 से पहले i10 में हमने सिस्टम देख लिया बहन की टांग। लैला एक बात समझ नहीं आ रही, मैं ट्रिप पे गए थे, सारा हिसाब इस पे था। तो वही तो ट्रिप से वापस आया, घर बन गया, गाड़ी पे सिस्टम लग गया। आज तक जब से गाड़ी इसने लिया 7 साल हो गए होंगे, आज तक भी ट्रिप से आते ही सिस्टम लग गया, छोटा ना बोर्ड वाला बंद रहा है। इनने कुछ गड़बड़ करी है बहन, सही है यार। तो चिपकू विपकू गाड़ी सब लगा लिया, सब कहा रहा है गाड़ी वॉश करा रहा है, पैसे भी फुल उड़ा रहा है। सिक्के भाई आपसदारी में मत करा कर ये सब, बहुत गलत बात करी डैडी तूने। मैं बहुत दिल टूट गया, अकेले रहूँगा यहाँ पे। तेरा तो स्टार्टिंग में टूट रहा था, तेरे को समझा रहा था, करण बोला वो फॉलो करती है। पता नहीं क्यों आपको ना देख के एक गुजुन से आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अरे आपकी कसम, मतलब मैं आपको पता दिल से लगता है, मैं लाइक कर रहे लगते हूँ। पर भाई मुझे आपकी स्मूथ मारने का मन करता है। चला आगे मत जा, ये प्यार है। अबे हट, ये कौन सा प्यार, हट। तू प्यार टाप के चला गया, अब तू बर्बाद है भाई। मैं बर्बाद ही सही है। उधर कहाँ जा रहा है, मुंह मार रहा है? तो क्यों जा रहा है? जब प्लेन मंगाया तो खाना ना कर, प्लेन पर रहना। नहीं नहीं नहीं, मूड बन गया, मूड कभी मेरा खाने का भी बन जाया करे, वो भी ले लेकर बोल रहे हर लड़की को बाय कर, जो भी है जिससे भी हम बात करते हैं, प्यार करते हैं, सबको बाय है, बोल दे। हम YouTube पे सच्चे इंसान है, हमें लड़कियों से दूर रहना, दूर रहो, हमें काम करने दो। हम फ्लिंग्स वाले हैं भाई। नहीं फ्लिंग्स वाले भी नहीं है। तो क्या तेरी ना मारूंगा, तू मेरी मारेगा ना। फ्लिंग्स वाले जो सच बात है, सच बात है। हां सच बात है, हमसे नहीं होता प्यार। राजू खुशी से बहन जो हमें तुम्हें समझाते हैं कि हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। YouTube पे तुम देख के कहते हो तुम हरामी हो, रामी हो। यहां पे अपनी ऑडियंस को हरामी बनाना दिखाई, अपना एंजॉय ना कराए, यहां पे आशिक बन जाएगा हम। जो लड़की राजू खुशी दे रही है उसकी ले लेंगे अटेंशन। सो गाइस फाइनली
20-25 दिन बाद एक ऐसा दिन आने वाला है जब मैं दूसरा वर्कआउट रेगुलर करने वाला हूँ, वरना एक वर्कआउट के बाद गैप आ जाता है। चलो जिम। तो भाई यो थोड़े मीटिंग निपटा के आज अजय भाई से मिले हैं बहुत टाइम बाद, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कितना छूती हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा अजय घंटा। अबे मेरे से तगड़ी बॉडी हो। अबे एक बार अपना हाथ देख भाई, कैसा लोहा भरा हुआ है ये देख, दिख ही नहीं रहा, सब खत्म हो गया। बट कोई नहीं, महीने के अंदर अंदर तुम्हें दोबारा पुराना वाला आरुष दिखेगा बॉडी वाइज। अभी मैं मेंटली स्ट्रांग हो रहा हूँ थोड़ा, मेरा चूतिया काट गई है लड़कियां, और जब एक से कटता है ना तब बंदा थोड़ा संभल जाता है, पर मैं 3-4 को एक साथ था और इन 3-4 ने मेरा काटा, तो अब सोच लो। वो तो स्टोरीज बता रही है आज की, आज मेरी स्टोरीज देख रहे हो तो कभी एक दूसरी लड़की से रिलेट होती है, एक तीसरी से, मैं सारी शेयर करी जा रहा हूँ। और मेरा दर्द समझो, मेरे को 4-4 लड़कियों से धोखा मिला गाइस। अगर एक से मिलता मैं जेल भी लेता, मैं कहाँ जाऊँ, शरीफ लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है बहन की। चलो कोई नहीं, अब सारे भाइयों को मिलने बुलाया है, आज एक अपना कैनेडा रिटर्न भी है उससे भी मिलवाता हूँ तुम्हें, बताता हूँ कि बाहर कैसे कुत्ते खानी हुई पड़ी थी उसकी। शादी करके बाहर गया था, वापिस आ गया दूसरी बारी। पहले क्या था, पहले आया रोई जा रहा था, फिर क्या, फिर अब आया फिर रोई जा रहा है। मैंने कहा आ जा चल तू, अब मिलते हैं सबसे, और आज जिम भी पक्का करेंगे। अगर इस व्लॉग में जिम ना करूँ तो नीचे गालियाँ लिख देना, ताकि मैं अगले में कर लूँ, कुछ और मत करना ठीक है। इंजेक्शन लगवाते हो घूम रहा, कौन से कम गाय इंजेक्शन ले लेके देखो, एक इंजेक्शन इसको इंजेक्शन लगे जिसको बॉडी लगे बताओ, गोली गोली आ रही है। इतना पूछा था कि तीनों से होने से पहले चल रहा है अभी, खिंचवा लो। सो गाइस फाइनली जिम तो आ ही गया हूं, और देखते हैं बड़े थक गए हैं, इधर उधर घूम घूम के एक बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं अब सॉलिड। बात जिम गया ढंग से तो इतनी दर्दें मच गई है, सही प्यार में होता है, बहुत टाइम बाद कोशिश करी थी प्यार की और दर्दें मच गई। ब्रो हाउ वाज योर वर्कआउट, पहले तो बॉडी छुपा नजर लग जाएगी। क्यों छुपा, जब बनाई है बैंड बनाई का वो तो गलती थी, ये बॉडी है दिखाया करे थोड़ा, हम तो डूब के मर जाए। नहीं यार लैला, तू स्मार्ट तो हो गया यार, मतलब तेरी स्माइल देख के ना कभी कभी ऐसा फील होता है भगवान मेरे को ऐसा ही बना देता सेम। बट आई एम अनलकी इन लव गाइस। क्यों यार, के लिए हमेशा तड़पा हूं मैं यार, चीट करोगे तो यही होगा भाई। देख तुम जो चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो ना वैसे बनो, मतलब अगर तेरे को चाहिए कि कोई तेरे को लॉयल बंदी मिले तो तू भी तो लॉयल बन, तू तो बार-बार मारता रहता है। अब मैं लॉयल रहता हूं, 6 साल से लॉयल हूं। मैंने कौन सा बार-बार मार लिया मेरे भाई? तेरा भाई हर लड़की के साथ लॉयल रहता है, चाहे 5 हो चाहे 6 हो, सबको प्यार बांटते फिरो, कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आएगा ना, भगवान एक बार तो हमारी सुनेगा। ये मत करो कि एक को कम प्यार कर दिया दूसरी को ज्यादा प्यार कर दिया, एक से दिल लगाया दूसरे से नहीं लगाया, भाई सबसे लगाओ, रॉन्ग साइड डाल दिया। सबके अंदर आत्मा होती है, सबकी आत्मा खुश रखो, सबको प्यार भरी हुई है अभी, रॉन्ग साइड। ये भाई की टिप्स है, सीधे ले ले भाई, आगे से यू टर्न ले ले यार, जैसे वो यू टर्न मार के चली गई। ये गलत ही चीजें सिखाते हैं हमेशा रॉन्ग। हां अरे बदमाशों के साथ रहेगा क्या, तभी तो सिंगल हो, बदमाश चप्पल छोड़ के भागने वाले बैठ के। इस पे जो जो बदमाश एडिट बनाते हैं ना माँ कसम बहुत हंसी आती है, इससे बड़ा गणफट्टू नहीं है कोई, ये अकेले आता है ना कहीं पे, अगर अभी ये 4-5 बंदे खड़े सबको होता है, कहीं इसको बुलाएंगे ना कि अकेले 2-10 मिनट में बाहर या अकेले रोड पे यूं सर झुका के खड़ा होता है और किसी से इसकी गर्दन नहीं हट दे। कभी नाली में पड़ा होता है, कभी भैंड का गिरा होगा, कभी उधर, कभी ये जब से साइकिल चला रहा है ना वो चलाने वाली, तो वहां से पिटता हुआ आ रहा है, कभी शंकर रोड शिव चौक पे पिटता था, कभी कहां पिटता था, भैंड के दोस्ती में भूल गया पिटा था, भूल गया इसको गाइस बैटल से मारा था, जिस दिन में बैटल हो जाते इसके चूर में, जिस दिन तेरे जैसे से पिट जाएगा मेरा चीरा हुआ है। चलो बंद कर दो, बोधा बाबा जी होगी वो नाम लू किसने तेरे पे रैपटे दिए थे जब तू साइकिल चला रहा था।
पर एक बार ये मेरे को से कह रहे मैं बस हाइट से मार कर रहा हूं, मैं तो मुझ पिलाता हूं। ये मेरे को पहली बार मिला था, मेरे से मजे ले रहा था, वो पतला था ये सबसे मजे लेता था। तो सोच रहा साहिल का दोस्त है मैं इसको बख्श दूंगा, मेरे से मजे ले रहा हूं, मैंने दिया पार्ट करता है, मैं तेरी बैठ के जो तेरे साहिल का दोस्त हूं, साहिल का दोस्त हूं यार, मैं तेरे बड़े भाई था दोस्त, बड़े भाई है, मैं तेरी बैठ के जो डी कैथल का शूट है, सो गाइस कल तुम्हें मिलेंगे। अरे हां चौक से वापसी आ रहा था, चाटा मार दिया मेरे बहन के। हां यार किस बैठ के लेला, दूसरा लेला बाहर मत निकल, लेला दूसरा लेला बाहर मत निकल, ओए तू इसको मैं बंदा को लूट लेकर आ, चलो इसको लड़ाई में मत लेके जा, चाचा ने हर मारा मेरे को, छोड़ दे भाई तो बात आ गई यार, चलो गैस कल मिलते हैं। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन।